नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्र सरकार की तरफ से यूरिया सब्सिडी को लेकर करीब 3.70 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि मोदी सरकार के इस निर्णय से किसानों को यूरिया की खरीद के लिए अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे उनकी इनपुट लागत को कम करने में भी मदद मिल रही है। तो यूरिया सब्सिडी योजना जो है वो बरकरार रहेगी, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का बयान आया है। आज यूरिया की सब्सिडी की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है। मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि 2014 से पहले यूरिया का मूल्य सब्सिडी के रूप में लगभग 250 रुपया 45 किलो बैग यह दिया जाता था और जो उसका उत्पादक मूल्य था वो लगभग 1000 रुपया था, शेष सब्सिडी के रूप में केंद्र की सरकार वहन करती थी। परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर यूरिया के उत्पादन के अंदर लागत के दाम बढ़े और बढ़ने के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार ने यूरिया को उसी दाम के ऊपर उपलब्ध कराया। दृष्टि से बहुत बड़ा काम देश भर में चल रहा है। आने वाले दिनों में पूरी मात्रा में नैनो यूरिया देश में उपलब्ध होगा और वो नैनो यूरिया भारत में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ उपलब्धता उसकी बढ़ेगी। मैं एक और बात आपके माध्यम से स्मरण कराना चाहता हूं कि 2014 से पहले लगातार यूरिया की उपलब्धता की मारोमार रहती थी, ब्लैक में यूरिया बिकता था। उसका समाधान करने के लिए जो इंडस्ट्रीज इसको खरीदती थी वो ना खरीद पाए उसके लिए नीम कोटेड